यावर्षी मुस्तकी मुकादमने दोन वेळा स्टंप तोडला, एकदा मयूर वाघमारे यांनी स्टंप तोडला आणि हा विक्रमात भर पडली की म्हणजे गोलंदाज कडून यश मोरे हा मैदानात दाखल. प्रसाद शेडगे यांचा हा संघ आहे. अनिल कोळी आपल्या सोबत स्पीड अप करत आणि काय म्हणाल, कारण आणखी चार सामने खेळवायचे. काय तुम्हाला सहकार्याची अपेक्षा आहे? खरं तर सर्वप्रथम मी जयेश पाटीलचे मी खरं ते आभार मानेन, कारण की ते सुद्धा लागोपाठ दोन सामने खेळले होते, त्याच्यानंतर त्यांना अनाउन्स दिली होती आम्ही. त्याच्यानंतर आता आम्ही अनाउन्स केले होतं त्यांच्या संघासाठी, पण यजमान संघ जो आहे दिघोडा संघ तो सुद्धा भरपूर लांबून आलेला होता. ते पण कंटिन्यू दोन मॅच खेळले, त्यांना सुद्धा आरामाची गरज होती, एक रेस्ट एवढे मध्ये घेतले. तर जयेश पाटीलने खरंच आम्हाला समजून घेतलं, सर्वप्रथम त्यांचे खूप मनापासून आभार मानतो. तर अजून चार सामने खेळवायचे आहेत. आमचा प्रयत्न असा असेल, जलसो चषकाचा जलसो ग्रुपचा प्रयत्न असेल की फायनल चार ओव्हरचे मॅच पाहिजे, हेच आमचा प्रयत्न असेल. तर या आताच्या झालेल्या मॅच मध्ये नवगाव वर्सेस दिघोडा मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा मेहकर ठरतोय तो क्रिश, आणि त्याला सन्मानित करतील राहुल आवासकर. हा सामना तीन षटकांचा आहे, यापुढील सर्व सामने कदाचित तीन षटकांचे होतील आणि निर्णय मात्र कमिटीचे. हॅलो, शिवशक्ती परळी विपक्ष काणेश्वर काणिवली असा हा टॉप फोरचा पहिला सामना. तर या सुधागड तालुक्यामध्ये सर्व पहिल्यांदाच स्टंप तोड देवांची लढ, बाकी काही नाही सर. मित्र नको ही पोळली बाकी घरची देवांची लढ, बाकी आड होती याडे. पल्ली बनाम कानेश्वर कानिंदी, कौन जाएगा फाइनल में? फाइनल के द्वार पर दस्तक देने वाला ये मुकाबला गोविंद सालों के लेफ्ट आर्म ग्राउंड का विकेट. शॉर्ट पिच गेंद, थोड़ा सा अपिश ऑफ ड्राइव किया था रन का मौका, और क्या कमाल का थ्रो, लेकिन सुरक्षित मैदान पर एक रन पूरा करते हुए बल्लेबाज यश और टोटल स्कोर अब आता हुआ 2 रनों पर. जीतू और यश ने दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना खाता खोला है. राकेश आवास्कर, राहुल आवास्कर, अनिल कोहली, इनकी मेहनत, किरण आवास्कर क्या आज उनकी चाल है, सुनहरे उनके बाल है, और नहीं पा वो परली का विश्वजीत ठाकुर जरूर है, लेकिन अब उनके हार है क्योंकि अब उनका बल्ला नहीं चल रहा. लेकिन उनको अब होली में जाकर 300 वो आग के अंदर से नारियल निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाकर कुछ उनका हो सकता है. तुषार कोहली जो सबको देते हैं विटामिन डी की गोली, और आरती आरती कदम रोशन कदम उनके साथ देखी जाए. आज अंबट ठस कौन दिखते हैं
संतोष धन देशमुख के बैनर के सिर के ऊपर से जागरण अपना स्वाभिमान दादा पाटिल की आवाज आपने सुनी। कुलदीप की गेंद थी ऑफ साइड पर स्लाइस किया था बैट के फेस को बोलती हुई गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर जाती हुई एक रन एक के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ सात रन पर सात रन जर्सी नंबर MSD लेकिन देखिए जलसो ट्रॉफी में आम की छाव है प्रदीप दादा वागोसकर इनका व्हाइट हाउस है यहाँ पर अजीत देसाई बैठे हैं रूपेश आवास्कर है सब ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक स्थिति में देख रहे संतोष दादा है सुशील गायकवाड़ और सभी दर्शक ये मुकाबला बहुत ही रुचिपूर्णता से देख रहे हैं कि कौन सी टीम मल्टी सब देख के फाइनल में जाएगी धीमी गति की गेंद गति परिवर्तन खड़े खड़े स्लॉप स्वीप लगाने का प्रयास रोहित द्वारा अगर स्वीप की अगर हम बात करें तो पैडल स्वीप के लिए विश्व प्रसिद्ध थे सचिन रमेश तेंदुलकर थोड़ा स्पीड अप करना है और यहाँ से 24 ओवर हमको डालने हैं तीन तीन षटकांचे सामने अजित सर बघा आपण ठेवले तरी टोटल 24 ओवर आहेत लक्षात कारण माझा हिशोब कॅल्क्युलेटरवर चालतो कारण 6 6 6 आणि 6 राज देसाई यांच्या चेहऱ्यावर सुद्धा उन्हाच्या झळा लागत आहेत कारण ते एसी मध्ये सातत्याने बसतात आणि आता उन्हामध्ये खेळत असताना खऱ्या अर्थाने संघर्ष ते करत आहेत बीसीसी पहिली संघाचा यावर्षी तब्बल 16 ते 17 हजार रुपयांचे बॅट त्यांनी आणलेले आहेत मात्र त्यांना आता एकच बॅट या आमची राहिलेली आहे ती म्हणजे सावरीची सावरीची बॅट आल्याशिवाय काय वाटत नाही कारण गतवर्षी बघितला 53 धावांचा जबरदस्त जी खेळी आपण बघितली मात्र माझा आवडता खेळाडू सुधाकरचा हार्दिक पांड्या तो म्हणजे अल्पेश ज्ञानेश्वर दळवी वरदाजी मार्कवर गेंदबाजी मार्कवर बिलकुल शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन होगा देखिए अल्पेश दळवी के फैन फॉलोइंग बहुत है रोशन वालगुड़े इनकी ओर से अगर ये विकेट आते हैं 23 ओवर में कैश प्राइस 501 रुपए कर दिया जाएगा बड़े हैं सात विकेट के लिए आउट होने वाले बल्लेबाज चीतू और स्ट्राइक रेट पर यश मोरे ये बैटल बंटी सर देखिए ये बैटल है ये बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहेगा एक तरफ है परली के गेंदबाजी का गब्बर शेर नाम है अल्पेश दळवी गेंद कैच की संभावना लेकिन कोई फील्डर नहीं रखा है इन सीधी छेदनों के लिए तीन रन दौड़ कर पूरे किए गए हैं सात रन बने हैं 9 रन बने हैं दो ओवर दो गेंदों पर कुल मिलाकर पहले ओवर में आए थे 7 रन और इस ओवर में अब तक 9 रन आए हैं और 16 पर आता हुआ टोटल दर्शक का बहुत ही रोमांचक स्थिति में मुकाबला देख रहे हैं दोनों ही सुधागढ़ परली विभाग की टीमें सिद्धु मांगरोकर दौड़ रहे लेकिन गेंद रुकने का नाम नहीं ले रही है खराब फील्डिंग और चार रन
कर ठाकुर उस्मान पटेल गाजला। बीस रनों पर केतन भाई देसाई आपको आना है। एक मासूम सा चेहरा कुमार है वो। ओ हो यश स्टंप तोड़ दिया है, कमाल की गेंदबाजी अल्पेश चली द्वारा, पहला विकेट उनके खाते में जाता हुआ, रन बने 20, विकेट गिरा है दूसरा कानेश्वर टीम का। और चमचमाती जलसू ट्रॉफी तीसरा और चौथा इनामी राशि 12,000 रुपए और चमचमाती ट्रॉफी हम देख रहे हैं। मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइसिकल है ट्रॉफी है, बेस्ट बॉलर बेस्ट बैटर के लिए ट्रॉफी है, हर मैच में सम्मान चिन्ह है, हर मैच में मैन ऑफ द मैच है। आपको खाने के लिए वड़ा पाव है, दोपहर के सत्र में बिरयानी है, शाम में चाय है, दिन भर पानी है, सब कुछ मिलता है जलसू ट्रॉफी में। और इसीलिए जलसू ट्रॉफी के लिए कई कॉमेंटेटर चौथे नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आए हैं पारस, तेज गेंदबाज पारस और उछाल रहा अल्पेश दलवी। तीन बड़े स्ट्रोक खाने के बाद ये शेर जख्मी हुआ है और शेर से ज्यादा खतरनाक होता है वो है जख्मी शेर, ऐसे अल्पेश दलवी। रन बने हैं 20, गेंदे बची इस ओवर की आखिरी और विकेट गिरी है दो बल्लेबाजी करने वाले कानेश्वर कानेली। स्पीड अप करना है आपको, आखिरी गेंद इस ओवर की, शॉर्ट पिच गेंद और फील्डर लगाया है, अरे खराब जजमेंट और उसके चलते 4 रन, ये तो मार डाला, हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहा दम था, मेरी किश्ती भी डूबी वहां जहां पानी कम था। डीजे रिया यानी कि रुपेश यादव 185 देशों में, पंकज भाई आइए। 24 रन बने हैं डीजे रिया, आप हर किसी में जाए, शादी में जाए, बारात में जाए, मुंडन में जाए, पूजा में जाए, एक ही नाम बचता है रिया डीजे रुपेश यादव। लेकिन आज ऑपरेटिंग करेंगे रोशन कदम, गेंदबाजी मार्ग पर परिवर्तन, गेंदबाजी के तौर पर रविंद्र मस्कर आए हैं, सामने यश मोरे। यश मोरे जब तक है बंटी सर तब तक आशा जीवित रहेगी, अच्छे स्थिति में है, 12 रन प्रति ओवर है, यहाँ से आखिरी ओवर का गेम शेष है, 20 रन आने की अपेक्षा है कामेश्वर टीम के लिए। लेकिन रविंद्र मस्कर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट मानी जाती है, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद और ये आया 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 नहीं, क्या हो सकता है, ऐसा लग रहा था कि एक समय आएगा लेकिन आया नहीं, गेंद हाथ से छिटकी, लेकिन जरूरी 4 रन अपनी टीम के लिए बचाए, 2 ही रन और 2 रन के साथ स्कोर 26-26 रनों पर। काफी अच्छा ट्राई किया था भाई ने, क्योंकि उसको पता था कि ये गेंद जाएगी या नहीं जाएगी, इसका अनुमान नहीं लगा पाए। रितिक कारी अभी ये मुकाबला देख रहे हैं, उनका भी विशेष रूप से स्वागत है, और जिन्होंने एक ही बार में 7 वड़ा पाव 2 मिनट में खाने का रिकॉर्ड किया है सिद्धू आवास्कर। नहीं होली का सन है, उत्सव है, होली का सप्ताह है सिद्धेश। कमाल की गेंद रविंद्र मस्कर द्वारा, खड़े खड़े खेल रहे हैं, आपको फुटवर्क की जरूरत है,
बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेंगी, वैसे ही जब तक बल्लेबाजी की बल्लेबाजों के पैर चलते हैं तब तक बल्लेबाजों की स्ट्रोक्स लगते हैं। एसडी का बल्ला सिद्धेश दत्त, ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर सिद्धेश दत्त, एसडी स्पोर्ट्स पाली का बल्ला। ऑन साइड पर शॉर्ट ऑन पोल, गेंद मिड विकेट पर जाती है, अल्पेश तलवी गेंद के नीचे है, थोड़ी सी मिसफील्ड लेकिन क्या कमाल का थ्रो, और या ओयूटी रन आउट, कमाल का थ्रो और उनका कंधा का। इतना आर पार घालतात गालातून आणि मागे असे दोन दोन लावतात हुक आणि वरती उचलतात। पंकज देसाई रोशन वालगुड्याचं स्वागत आहे। या आता चहाची वेळ झालेली आहे। रन बने हैं यहां से 27, 27 धावा धावल कवर, 27 ऑन बोर्ड। स्ट्राइक रेन पर नवीन बैट्समैन परेश का, नए बैट्समैन का रुपेश, और ये आउट हो सकते हैं, और यहां से आउट होते हुए रुपेश एक और विकेट कानीश्वर कमल टीम का डीज। बल्लेबाज आते हुए नए बल्लेबाज पारस के साथ जुड़ते हुए हैं अक्षय, बहुत काम करते हैं अक्षय, मीट भट्टी का उनका धंधा है लेकिन आज उनको मेहनत करनी होगी। कोयला हीरा बनता है जब उस पे दबाव बनता है, दबाव में बिखरना नहीं है, दबाव में आपको निखरना है। इस बार लेग 22 के स्वरूप में रन आएगा, एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 पर, 28 ऑन बोर्ड, और ये 29 बने, यहां से ये 30 बने। हाथ में गेंद की कोई जरूरत नहीं थी शिवा को, दो रन एक्स्ट्रा फेंके शिवा ने, पारस ने मार लिया, 3 रन पूरे हुए हैं और 30 रन बने हैं। काफी नाराज रहेंगे अल्पेश, क्योंकि थ्रो करने की कोई यहां पर गुंजाइश ही नहीं थी। 3 रन एक्स्ट्रा आए और कभी कभी एक्स्ट्रा रन काफी महत्वपूर्ण रहते हैं जब आप रन चेस के लिए आते हैं, ये 2 रन महंगे पार्ट साबित हो सकते हैं। आखिरी गेंद का खेल शेष, रन बने हैं 30 और आखिरी गेंद का खेल शेष। ऑफ साइड पर ड्राइव, यश का एक रन तो पूरा है, दूसरे का मांग पारस काफी तेज, और ये अंपायर की उंगली उठी और रन बने 31-32 की होगी जरूरत। चलिए कालेश्वर कालिंदी टीम, आपको तुरंत मैदान पर उतरना है और जल्दी मैदान पर बल्लेबाज भेजने हैं शिवचंद्र की प्रदीप को, नवगांव और घोड़े और वरद भी
सामने आपले सुरू करायचे आहेत. प्रमुख आयोजनकर्त्यांमध्ये आम्हाला चार चषक जे दिलेले आहेत ते म्हणजे स्वर्गीय सुवर्णा कृष्ण देसाई यांच्या स्मरणार्थ श्री प्रसाद दादा देसाई श्रेय कृपाजी आणि श्रेया डेव्हलपर्स यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द मॅच साठी ट्रॉफी सुशील दादा गायकवाड आणि नागेश भाई देशमुख यांच्या माध्यमातून पुढील सामना क्वार्टर फायनलचा सामना उपउपांत्य फेरीचा सामना भरत विनायक महड जयेश पाटील विरुद्ध अमर इलेवन दिघोडे अभिजित ठाकूर. 32 धावांचं आव्हान. पंकजी देसाई यांच्या शुभ हस्ते होईल टॉस. 10.33 च्या सरासरी धावा जमवाव्या लागतील. चेंडू 18 आणि 32 धावांची आवश्यकता. तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, सुस्वागत है हम सभी दर्शकों का. सेमीफाइनल का ये मुकाबला और दूसरे पारी में 32 रनों का पीछा करते हुए सलामी बल्लेबाज कल्पेश दलवी स्ट्राइक लेन पर. गेंदबाजी मार्ग पर सूरज पहली गेंद आउटसाइड ऑफ टर्म वाइड के साथ शुरुआत की है. शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट गली पॉइंट और मिड ऑफ ऐसे चार खिलाड़ी सर्कल के अंदर फोर पॉइंट ऐसे पांच खिलाड़ी ऑफ साइड पर. ऑन साइड पर एक लेग स्लिप एक डीप मिड विकेट और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर रखा है सर्कल के बाहर. सूरज की अगली गेंद तैयार. श्री भरत विनायक महर टीम के कप्तान जयेश पाटिल जो पहलवान है वो आ चुके हैं, उनका स्वागत. अमर इलेवन दिघोड़े कैप्टन्स को भेजना है. लगातार दूसरी वाइड धूम्रपान ना करे ना करने दे, ये तो गरीबी में आटे गीले कर देने वाली बात. आपके पास पहले रन कम है और आपका लीड बॉलर अगर लगातार दो वाइड डालता है तो उसका दबाव जरूर बढ़ता है. लेकिन मुझे अमोल शेडगे एक खिलाड़ी दो तीन दिन नजर नहीं आया और ये तीसरा वाइड अपेक्षा नहीं थी सूरज को कि ये तीन वाइड आएंगे. टॉस हो रहा है तिगोड़े और वरद विनायक मार के बीच. तीन ओवर का मुकाबला, एक ओवर पावर प्ले. हेड इज अ कॉल और वरद विनायक महड ने जीता है टॉस. अनिल कोहली मूछों पर ताव देते हुए, मूछे हो तो नथुलाल जैसी, नहीं तो ना हो. नो बॉल. अब ये तो ऐसा है कि देखिए सर भी मुंडवा लिया रुपेश भाई और छीटे भी पड़े. ये नो बॉल, तीन वाइड, इसके बाद नो बॉल और एक फ्री. आज देखिए होली का सन कमाल दिख रहे हैं, आज बढ़िया खाना खाया है. एक रन चार रन बने हैं, ये है फ्री हिट. ऑन साइड पर शॉर्ट ऑफ पुल, मिड ऑन पर फील्डिंग बढ़िया होती हुई. कानेश्वर टीम को अंत तक लड़ना होगा. वरद विनायक महर टीम ने टॉस जीता है, क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय. तो अभिजीत ठाकुर और उनके धुरंधर बल्लेबाज मैदान पर उतरेंगे. जल्दी आपको स्पीड अप करना है और चार मुकाबले यहां से खेलने हैं हमें.
तुरंत आप आइए, अत्यंत आवश्यक होगा आपको। सुधागढ़ के सबसे यशस्वी ऐसे कप्तान मास्टरमाइंड शिवा दलवी जिनको कहा जाता है, हाँ नहीं कह सकते ना, माइक है, राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता होंगे। एक रन आता हुआ एक रन के साथ अपना खाता खोलते हुए शिवा दलवी जी की, जिनकी आई थिंक कल या परसों ही मैरिज एनिवर्सरी थी, बहुत लंबी पार्टी थी, लगभग 4:30 बजे रात लगभग दर्शकों का तांता था और 4:30 बजे तक वो पार्टी चली थी उनकी। पंकज शेठ नाणेकर यांच्याकडून भाईड्यासाठी 3 षटकारांसाठी 500 रुपये कॅश प्राइज। यहाँ पर एक रन आता हुआ केडी के बल्ले से, सिंगल सिंगल से ज्यादा महत्व नहीं आएगा, बड़ी शॉट नहीं आ रहे हैं, 7 रन बने हैं, गेंदे इस ओवर की हुई है अभी 3। संतोष शेठ वो वहां पर ही अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने आज ब्लैक ड्रेस पहना, ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। सुशील जी गायकवाड़ी के साथ वो डिस्कस कर रहे हैं किस पर केस दर्ज करना है, कहां से किस तरह से आने हैं। वो देखिए वो स्लाइड है ना, वहां से आप आराम के साथ स्लाइड होकर आ सकते हैं। हवा में काफी दूर है अक्षय, अक्षय कैच तो नहीं लेना चाहेंगे लेकिन उन्होंने एक टिप्पा गेंद पकड़ लिया और थूक कर दिया है। 2 रनों के साथ 3 रन पर पहुंचे शिवा दलवी और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रनों पर। शिवा दलवी इशारा कर रहे अपने पेंडल की ओर की धीरज है कि मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। बैनर के पीछे जयेश पाटिल कुछ गुफ्तगु कर रहे हैं। तैयार दाहिनियां से सूरज को विकेट चटकानी होगी, रिवर्स और शानदार स्ट्रोक, स्वीपर कवर को चीरता हुआ ये शानदार चौका शिवा दलवी के बल्ले से। दीप गली पर जाती हुई 4 रन। वापसी कर सकती है। अच्छी गेंद किरण आवास कर देखी है, व्हाइट हाउस से गुजर कर काफी
गर्मी भरे माहौल में आ चुके हैं, उनके बाल काफी खूबसूरत हैं। पहली गेंद बिंदी आती हुई, शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग को चीरता हुआ ये आता हुआ शानदार जलसोर चौका। पहली गेंद पर बिंदी आने के बाद वापसी की है बल्लेबाज अल्पेश ने, स्कोर चार के साथ आगे बढ़ता हुआ 21 रनों पर 21 ऑन बोर्ड। यहां से 32 का पीछा करना था, तो यहां से अब अगर देखिए तो ग्यारह रनों की अब भी जरूरत है। ओवर पिच गेंद ऑफ साइड पर ड्राइव किया है सजीला ड्राइव एक्स्ट्रा कवर को चीरता हुआ शानदार बैक टू बैक दूसरा चौका। धन्यवाद पंकज। आता हुआ दुनिया में सबसे ज्यादा पीने वाला अगर ड्रिंक कौन सा है तो वो चाय। ओ बाहरी किनारा इनसाइड एज जाती हुई गेंद जाती हुई डीप में और एक रन आता हुआ बल्ले से ये गेंद ब्रश हुई है। और ये देखिए और ये स्मेल बहुत ही बढ़िया है, खुशबू ऐसी है जो दिल में रह जाए याद और होठों पे रह जाए स्वाद। ये चाय का आस्वाद लेते हुए पंकज नानेकर साहब इनके ओर से लगातार 3 सिक्सर के लिए शिवा दलवी या अल्पेश दलवी दोनों ही के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज अब यहां पर आ चुका है पंकज नानेकर इनके माध्यम से। रन बने हैं यहां से अब 26, 6 रनों की जरूरत है। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है ऊपरी किनारा गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर जाती हुई चार रनों के लिए। अब मात्र 2 रनों की जरूरत है पंकज भाई नानेकर, इन्होंने पैसे लगाए हैं। पंकज भाई ये आपको और मुकाबले के लिए रखना होगा। पंकज भाई ये लीजिए वापस इनसाइड एज लगी है यश मोरी की बढ़िया फील्डिंग, अब रन आउट हो सकते हैं लेकिन रन आउट नहीं हुआ। अरे अगला विकेट केडी गिर पड़े हैं लेकिन फिर से संभलते हुए। मेरा जूता है जापानी पतलून इंग्लिस्तानी सर पे ला मैच नहीं जाते हाँ योगा फोटो तो देख के आप इतना हेटर्स हाँ तो ऐसे फोटो टेटर्स लचाए भी इतना यूट्यूब पर विनिंग शॉट खेलने के लिए महेंद्र सिंह धोनी की तरह शिवा दलवी थोड़ा स्पीड अप करना है। आयोजकर्ताओं द्वारा विशेष ख्याल रखा गया है और चौथे दिन हालांकि हर दिन उनको बुलाने का प्रयास था कुछ अवसर को लेकिन वे भी थोड़ी सी बिजी थे। कुंभौली में एक बड़ा टूर्नामेंट उन्होंने किया था उसके बाद थानाओं में वो टूर्नामेंट कर रहे थे, ये पसंद नहीं है। लोग देखिए वहां से इशारा कर रहे शिवा को अरे सीधे भले से खेलो। रोशन जी बाहर क्या काम ले आ चुके हैं
डिफेंसिव शॉट और यहां से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर चार रन और शिव शक्ति परली ये टीम पहुंची है फाइनल में। टीम का हार्दिक अभिवादन। ट्रॉफी का उन्होंने बॉल चिपकाया है, क्या वो पहला या दूसरा नंबर।